नमस्कार, मैं नमरी साहब देखें 1024। देखिए विधानसभा इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, जैसे जितने भी नेता लोग सरगर्मी तेज हो गई है। और यहाँ पर जानते हैं पटना जंक्शन पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसको मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहती है, मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, किसको देखना चाह रहा है मुख्यमंत्री तौर पर? प्रशांत किशोर। क्यों प्रशांत किशोर क्यों? वो अच्छे अभी बिहार के लिए वो अच्छा बात बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, नया पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर देख रहे हैं, तो नया पार्टी एक ठौ बना है आरपीसी सिंह, उसका पता भी नहीं हमको। नहीं पता है? नहीं। अच्छा आप बताइए, विधानसभा के इलेक्शन आने वाला किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री तौर पे? मेरा भी कुछ नया बदलने का है कि नया चेहरा कोई जो है जिनका विज़न अच्छा हो, तो प्रशांत किशोर। ऑफ कोर्स हम भी प्रशांत किशोर को ज्वाइन किए हुए हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं हम लोग। हाँ हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ नया आए। अच्छा, जनसुराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो क्या औरों की तरह यही तो नहीं ना बन जाएंगे? अब तो ये आगे उनका भविष्य ही बताएगा, अभी हम कैसे कोई बता सकता है पहले कि क्या हो जाएंगे वो। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि औरों को तो ये भी हो जाएंगे, वो तो देखते हैं। एक बार मौका मिलना चाहिए नए आदमी को, और डेमोक्रेसी यही है कि बदलाव जरूरी है भाई। पहले तो हाँ सब अच्छा रहा है ना। आपको विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसको मुख्यमंत्री तौर पर किसको देखना चाहते हैं? अभी नीतीश जी है, वही ठीक है। नीतीश जी क्यों अब विकास के काम करते हैं, इसलिए विकास काम किए हैं। हाँ किए। बहुत लोग कह रहे हैं कि विकास काम नहीं कर रहे हैं, कुछ जिसके जी में समझ में नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग तो काम में किए हैं। आप लोग बढ़िया काम किए हैं जी। क्या नाम आपका? अमरनाथ शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला, किसको मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं? अब अभी तो ये नहीं है, क्लियर बता सकते हैं। किसका काम अच्छा लगता है आपको? काम तो सभी नेता का ठीक है। हाँ अपने अपने जगह पर, और उसमें क्या कहा जा सकता है। नीतीश कुमार हैं, अथी यादव हैं। हाँ और भी हैं इधर, जनसुराज है। आरपीसी सिंह भी पार्टी बना चुके हैं। हाँ इधर नया पार्टी भी एक टोल लंच किया है। हाँ देखिए किसको आप ज़्यादा आप देखिए ना, किसको जनता मौका दे रहा है। जनता तो मौका, आप किसको? हम भी जनते हैं ना। उसी में शामिल। इसका काम अच्छा लगता है आपको? काम तो बोले था अभी, सबका ठीक है। सबका ठीक है। हाँ विरोधी का भी ठीक है, जो नेता में है पक्ष में है वो भी ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार गुप्ता। देखिए क्या नाम आपका? जी मेरा नाम विवेक गुप्ता हुआ। मुख्यमंत्री तौर पर किसको देखना चाहते हैं आप? जी जो अभी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कुछ नए चेहरे भी आए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही चेहरे बार बार रहने के बाद तो कुछ अच्छा काम भी नहीं हो पा रहा है उनके कारण। अच्छा बदलाव चाह रहे हैं, तो बदलाव में किसको देखना चाहते हैं आप? बदलाव में बहुत सारे नेता हैं, जैसे सम्राट चौधरी हुए, तेजस्वी यादव हुए, और भी बहुत सारे नेता जो आने चाहिए नए चेहरे के तौर पर। सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ। उधर चिराग पासवान जी भी हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम मैं बता नहीं पाऊंगा, अभी नाम दिमाग में नहीं है, लेकिन किनका काम सबसे बढ़िया लगता है आपको? काम सभी का देखिए बढ़िया, मौका मिलने के बाद वो अपने पोजीशन जब जैसे ही पावर में आएंगे वो अपना दिखाना शुरुआत एकदम करना स्टार्ट। अच्छा एक चीज़ बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, क्या आपको अच्छा लगा सबसे बढ़िया, क्या लगा आपको? सारा चीज़ ठीक है उनका, मतलब बहुत दिनों से अपने जो भी काम में वो प्रचलित रहे हैं बिहार के लिए, सारा जो भी अपना करते हैं। विपक्ष वाले जितने भी लोग बोलते हैं कि उनका मानसिक ठीक नहीं है, क्या कहा? विपक्ष तो क्या कर सकते, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकती है। वो तो ये राजनीतिक है, जब तक वो पलटवार नहीं होगा तब तक राजनीतिक चल नहीं सकता, तो उनके बारे में क्या ही बोला जाए। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जाओ सहरसा जाओ, एजुकेशन के लिए स्कूल ही नहीं है, टीचर की इतनी सैलरी दे रहे हो यार, स्कूल बच्चा पढ़ेगा, उसके पास जगह तो पढ़ने के लिए? क्या काम किया आप, किस में काम किया मुझे बताओ जरा, काम बताओ। डेवलपमेंट के लिए जो भी काम हो रहा है सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो जितने पुल बन रहे हैं, आपका क्या योगदान है प्रभु? क्या बात है, आपके लिए बेहतरीन कौन रहेगा? हम देखिए प्रशांत किशोर को भी हम बेहतरीन नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि वो वैसा इंसान एक पहले भी पैदा हो चुका है इस धरती पे, ठीक है, जिसको आप केजरीवाल के नाम जानते होंगे, ठीक है, वो दिल्ली को ऐसे बर्बाद कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि नई पार्टी यहाँ पे भी आए और वैसे ही बर्बाद करें, इस चीज़ का आश्वासन उनको देना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को, युवाओं को बताना पड़ेगा, हम केजरीवाल से काफ़ी डिफरेंट है, हमारी सोच डिफरेंट। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी उतार रहे हैं जनता के बीच में, जनता का चुनाव हो रहा है उसी को प्रत्याशी तौर पर उतारेंगे। आज तक क्या बिना जनता के चुने हुए लोग डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं? जनता पसंद करेंगे किसको, कहाँ से खड़ा करना है? आज तक तो जनता ही पसंद कर रही थी सबको,
देखिए यहाँ पर अधिकांश लोगों से हमने जानकारी लिया कि आखिर में 2025 जो विधानसभा इलेक्शन आने वाला है तो जनता किसको मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहती है। तमाम लोग जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, कुछ लोग जो है सम्राट चौधरी को देखना चाहते हैं और कुछ लोग चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर पर रुझान करना चाहते हैं। खैर विधानसभा इलेक्शन तो अभी काफ़ी दूर है, किस वो तो समय ही बताया किस कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1N24 के लिए बने, धन्यवाद।